मस्कारा फॉर ग्रोसरी शॉपिंग. अब सिर्फ आंखें ही तो दिखेंगी. ओनली इफ यू कुड स्मेल दिस अमेजिंगली डिलिशियस सीमिंगली डिलिशियस फूड. आई होप it actually tastes good as well. Then what do we have? It's Thai food in peanut satay sauce. Only if you could smell this amazingly delicious, seemingly delicious food. I hope it actually tastes good as well. Then what do we have? It's Thai food in peanut satay sauce. इसी के साथ हमारा पास्ता ए हिंद तैयार हो गया. हिंद इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सब्जी जैसा लग रहा है जिसे हम रोटी के साथ भी खा सकते हैं लेकिन हम खाएंगे नहीं. Would you care for some wine? I do. Okay, is that okay for you, madam? Looks good. हिंद रेडी है. हो जाए शुरू गुरु. हाँ बिल्कुल. बॉन अपेटी क्या बोलेंगे हिंदी में? मजे में के खाओ. हाँ. सुनो कैमरा ऑन है तो एक्टिंग कर लेना अगर अच्छा ना बना तो. प्लीज यार बेइज्जती मत कराना. तुम्हारे पति प्लीज एक्टिंग कर लेना प्लीज. धुपता 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 अच्छा है. वो ब्रूटल सी है. कैसे हो गया ये? बस भगवान की मेहर. भगवान की मेहर है. घमंड नहीं किया कभी. अक्सर मुझे मेरे दोस्त कहा करते थे कि तेरे हाथों में जादू है लेकिन मैंने कभी सीरियसली लिया नहीं. इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए. क्या है कि ऊपर वाला किसी किसी को किसी किसी के हाथ में डाल देता है जादू. लेकिन उसका मतलब ये है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये बात. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्विंग द फैमिली. या सर्विंग वन्स ओन नीड्स. या एंड मच मोर. इसलिए मैं बस करूं वीडियो. मुझे खाना है. रोज नहीं खाता. अच्छा. हाँ कब तो कर दो. चटकारी लेके खाइए जैसे हम खाए. देखिए मैं अपनी जबान से क्या बोलूं. आइए पूछते हैं दिव्यांका से कि उन्होंने कितनी बार रिफिल लिया इस पास्ता का. प्लीज बताइए हमारे दर्शकों को. बोलिए ना प्लीज. तीन बार. मेरे पास्ता के इतने दिन में. थैंक यू. You know how to irritate one's husband? Pakdo. Phone. Hey, kya kar rahe ho? You know how to irritate one's husband? Pakdo. Phone.
Corona is gone. We'll have all the metros up and sari roads theek ho jayengi fine in Mumbai. Otherwise, Mumbai roads are never empty. Kabhi kaam karne ka mauka hi nahi milta hoga. But Corona is gone. We'll have all the metros up and sari roads theek ho jayengi fine in Mumbai. Otherwise, Mumbai roads are never empty. Kabhi kaam karne ka mauka hi nahi milta hoga. But What? Unbelievable. What is this, yeah? This is cheating, man. Wow. That's why it's not blue and it's violet. This green tea is called violet. Hi. So I want to tell you something. We're always running late for our flights. Except for the time when we have to board Air India. Because Air India is later than us. Always. 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 It never surprises us. It never surprises us ke aaj Air India time pe hai. Aaj tak to kabhi hua nahi hamare saath. To aaj humne kaha chalo just in case wo surprise aaj na mil jaye hum fir pahunch gaye. No. डेढ़ घंटा लेट तो आज बोला मैं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मैं तो कह रही हूँ सनम धीरे चलो तो आज हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं एयरपोर्ट पे जो हम यूजुअली भाग रहे होते हैं लेकिन अभी क्या पास करने के लिए आई वांट टू शो यू व्हाट आवर स्पीड इज टुडे अरे धीरे तू क्या कर रही हो इतनी तेज क्यों चल रही हो हाँ डोंट Never reach on time with Air India. You can count on them. So, a little correction to what we said about 1.5 hour late. It's 2 hours and 40 minutes late. Setting records on. No regrets, no apologies. अरे किस बात की apology? अरे बनता है यार. देश के राज्य हैं. हाँ. So finally, we are going to depart to Bhopal after a long 2.5 hours of wait. Foot massage, back massage, सब कुछ करा लिया एयरपोर्ट पे ग्लूटेन फ्री खाना भी खाया मुझे मालूम है एयरपोर्ट पे सब चीज़ें इसलिए मिलती है ना अच्छी आजकल आई थिंक जहाँ जहाँ पे एयर इंडिया जहाँ जहाँ से फ्लाई करती है ना वहाँ पे बिजनेसेस बहुत अच्छे चलते होंगे तो आप लोग अगर कोई सलोन प्लान करना चाहते हैं या कोई ऐसा बिजनेस जो टाइम कंज्यूमिंग हो या कुछ भी हो सकता है आई थिंक जिम खोल देना चाहिए मेरे जैसा बंदा तो वर्कआउट कर ले एक घंटा और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो कि कम से कम ऐसी एक्टिविटी जो 2-2.5 घंटा 3 घंटा आपका टाइम पास करवा दें तो अगर एयर इंडिया पे ट्रैवल कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए आपके एयरपोर्ट पे ओके सी यू भोपाल हेलो एम आई लाइव यस आई एम लाइव सो गाइस व्हाट्स हैपनिंग been so long I'm at the airport and I was actually clueless because I was like look at my hair abhi bhi shoot se aayi hu sare baal khade hue hain shoot se like literally main bhag ke nikli hu so what was I saying that abhi main ja rahi hu wapas apne pati ke paas and I had nothing to do I thought why not speak to you all bahut time ho gaya we haven't done this live session so I'll tell you about my day or maybe should I start from yesterday so yesterday I reached Mumbai at around 2 p.m. and rushed for my shoot immediately from here and then I shot with the entire team of Hai Mohabbate jo log bhi the us scene mein post that I met all the other actors from YGM except for Vivek and Raj and few others we missed them a lot but yes we all met and hum logon ne sath mein enjoy kiya cake kata ekta aaye the aur ek farewell wala scenario bana hua tha I don't know
like people were sad, but I just felt sad होने वाली क्या बात है.